अश्विन अन्ना के शतक के बाद बुमराह का चौका, भारत के पास पहला टेस्ट जीतने का आसान सा मौका। हाँ, दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है दोस्तों, भारत वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट का पहला टेस्ट का, और भारत का स्कोर 81 रन पर 3 विकेट है। चौंकिएगा नहीं, कहिएगा कि कल 339 रन पर 6 विकेट था, आज 81 रन पर 3 विकेट कैसे? भाई वो पहला इनिंग था, आज दूसरा इनिंग है। हाँ, बांग्लादेश को 1.5 सेशन में इंडिया ऑल आउट कर दी है। बुमराह, आकाशदीप, सिराज और रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी के कारण पहली इनिंग में ही बांग्लादेश 149 रन पर ऑल आउट हो गई है। जी हाँ, और भारत दूसरा इनिंग खेलना स्टार्ट कर दिया है और भारत का फिर से 3 विकेट गिर गया है 81 रनों पर। लेकिन भारत मैच में बहुत आगे हो गया है, 308 रनों का भारत लीड ले चुका है और अभी भी 7 विकेट शेष है। तो भारत अब ये मैच टेस्ट मैच जीतने से बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि इस पिच पर 308 रन भी बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी बल्लेबाज हैं वो सोचकर कुछ और आए थे, यहाँ हो कुछ और रहा है उनके साथ। जी हाँ, आज दूसरे दिन के मॉर्निंग में पहले 339 रन के 6 विकेट के नुकसान पर से भारत आगे खेलना शुरू किया। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी जो कल नॉट आउट गई थी, आज रविंद्र जडेजा 86 रन पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज कोई भी रन उन्होंने अपने खाते में नहीं जोड़ा है और 86 रन पर ही रविंद्र जडेजा का विकेट गिरता है। 113 रन रविचंद्रन अश्विन बनाते हैं और आज 339 से मात्र आज 37 रनों के भीतर भारत का चारों विकेट गिर जाता है और भारत 376 रन बना करके ऑल आउट हो जाती है। फिर जब बल्लेबाजी करने आती है बांग्लादेश की टीम, तो पहले ही ओवर में अपना बूम बूम बुमराह अपना जलवा दिखाते हैं और पहले ही ओवर के अंतिम गेंद पर सदम अन इस्लाम, जो बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज है, बोल्ड कर देते हैं। बुमराह का तो बॉल बड़े बड़े को नहीं समझ में आया, तो बांग्लादेश वालों आपको क्या समझ में आएगा। और बुमराह के तरफ से 4 विकेट देखने को मिला है आज के मैच में। आकाशदीप की भी शानदार गेंदबाजी हुई है, बैक टू बैक 2 बोल्ड मारे हैं, 3रा विकेट हैट्रिक पर वो आए थे लेकिन हैट्रिक उनको नहीं मिल पाया है। सिराज के खाते में भी 2 विकेट गए हैं। रविंद्र जडेजा भी इस ग्राउंड पर जहां स्पिन को कोई मदद नहीं है वहां पर रविंद्र जडेजा को भी विकेट मिला है और 149 रन बना करके मात्र बांग्लादेश की टीम ऑल आउट हो गई है। आज के दिन में 17 विकेट गिरे हैं इंडिया और बांग्लादेश दोनों को मिला करके। भारत की पहली पारी में 4 विकेट आज गिरे हैं, पूरा का पूरा 10 विकेट बांग्लादेश का गिरा है और फिर दूसरी पारी में भारत का 3 विकेट ऑलरेडी गिर जा चुके हैं। तो भारत अभी इस टेस्ट में डोमिनेट कर रही है बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन इसमें बल्लेबाजों का कहीं से कोई हाथ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी के बदौलत भारत इस टेस्ट मैच में आगे, और गेंदबाजी के बदौलत सिर्फ विकेट ही नहीं, गेंदबाज ही रन ही बनाए हैं, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को आप बल्लेबाज नहीं है जो ऑलराउंडर और गेंदबाज खिलाते हैं। आपके बल्लेबाज कल भी घुटने टेके थे और आज भी घुटने टेके हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, ये सब कोई नहीं चले हैं। रविचंद्रन अश्विन कल भी शतक मारे थे और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाए थे, रविंद्र जडेजा विकेट भी लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन को भले विकेट नहीं मिला है लेकिन शानदार गेंदबाजी के बदौलत बांग्लादेश को बैकफुट पर ला दी है टीम इंडिया। बांग्लादेश को ऐसे फॉलोअर भी खिला सकती थी इंडिया, लेकिन फॉलोअर नहीं खिला करके भारत खुद बल्लेबाजी की है। अब कहिएगा कि ये फॉलोअन क्या होता है? तो फॉलोअन होता है अगर कोई टीम पहली इनिंग में बल्लेबाजी करती है और कोई टीम जो दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करती है, तो दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम पहली इनिंग के स्कोर, पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम के स्कोर से अगर 200 रन से ज्यादा पीछे रह जाती है तो उस टीम को फिर वो टीम दोबारा खिला सकती है, बैटिंग करवा सकती है और उसके बाद वो 200 का जो एक्स्ट्रा रन है उसके अंडर में ऑल आउट हो जाती है, तो पारी और उतना रन से फर्स्ट टीम बैटिंग करने वाले जीतेगी। अगर फॉलोअन का मतलब हुआ अगर वो 200 कुछ रन से और ज्यादा बना देती है तो फिर उतना जितना का टारगेट मिलेगा फर्स्ट इनिंग वाली बल्लेबाजी करने वाली टीम उसको जीत लेगी उतना बना करके। लेकिन भारत के पास मौका था कि बांग्लादेश को फॉलोअन खिला दे, लेकिन बांग्लादेश को फॉलोअन नहीं खिलाया है और खुद अपने बल्लेबाजी करने की टीम, क्योंकि भारत के जितने भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए थे कल इनिंग में, तो सोचे कि आज के इनिंग में कुछ खास कर ले, लेकिन आज भी कुछ खास अभी तक विराट कोहली, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल नहीं कर पाए हैं। हालांकि विराट कोहली को जो आउट दिया गया वो नॉट आउट था, उनका बल्ला लगा हुआ था लेकिन वो रिव्यू नहीं लिए हैं और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चल गए हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान समझ करके भारत आई थी। बांग्लादेश को मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान नहीं है साहब, यहाँ नसीम शाह और शाहीन अफरीदी गेंदबाज नहीं है, यहाँ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज है।
फार के रख देगा। दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर खिला दो यार, जसप्रीत बुमराह तो हद करके रखते हैं। बैट्समैन को समझ नहीं आता है बॉल, बैट्समैन सोचता है बाहर जाएगा अंदर आ जाती है, बैट्समैन सोचता है अंदर आएगा बाहर चली जाती है। जब मन होता है, जिस ग्राउंड पर मन होता है, जो बल्लेबाज को मन होता है आउट कर देते हैं बुमराह। बुमराह भारत का धरोहर है, इसको संभाल करके लेके चलना पड़ेगा। जो ही दो चार पांच साल क्रिकेट और बुमराह खेलेंगे उसको बहुत संभाल संभाल के लेके चलना पड़ेगा। और रोहित शर्मा इस पर खड़े उतर रहे हैं। तो भारत 308 रनों का बढ़त ले लिया है 250 रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट करने के बाद। भारत का 227 रनों का लीड पहली इनिंग में मिला और 81 रन बना लिए हैं भारत की टीम। सुमन गिल और अभी भी ऋषभ पंत क्रीज पर डटे हुए हैं और भारत का कुल बढ़त 308 रनों का हो गया है। ऐसा लग रहा है कि शायद तीसरे दिन या चौथे दिन मैच खत्म होने की पूरी संभावना है। देखना है कल मैच खत्म होता है या परसों तक जाता है, लेकिन मैच भारत के पक्ष में पूरी तरीके से है। बांग्लादेश अब नजर नहीं आ रही है उस फॉर्म में, लेकिन इस मैच में पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों का हाथ है भारत को फ्रंट फुट पर रखने का और बांग्लादेश को बैकफुट पर रखने का। बांग्लादेश की बल्लेबाजी की बात कीजिएगा तो कोई खास बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाए हैं। बस शकीब अल हसन 32 रन, मेहदी हसन मिराज 27 रन बनाए हैं। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाए हैं और शानदार गेंदबाजी के बदौलत मात्र 149 रन पर बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।